ये हमारी कंपनी ने आपको पहले इसका वीडियो डाला हुआ है गाड़ी का, जो आपको पूरी नेकेड गाड़ी बताई थी। अभी ये पूरी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। जो हमने आपको पहले बताया था दस्तगीर भाई के लिए हमारे पास आए मालेगांव से, मशीन को फिटिंग कराने इंस्टॉल कराने आए हुए हैं, तो इनकी पूरी गाड़ी हमने कम्प्लीट कर दी है। मशीन इंस्टॉल करके स्टिकरिंग डेकोरेशन करके पूरा कम्प्लीट भी तैयार कर दी है। ये हमारे दस्तगीर भाई है और इनके फादर है, तो यहाँ पे आइए, पूरा कम्प्लीट टेस्टिंग चेकअप करा दिया है इनको हमने। हाँ, तो आप दस्तगीर भाई से पूछ सकते हो कैसी लगी हमारी, कैसी मशीन लगी दस्तगीर भाई हमारी? अच्छी लगी, अच्छी लगी ना आपको? आपको जो जो सामान दिया था हमने फ्री में बताया था वो सब मिल गया आपको क्या? सब मिल गया। जो CO2 बोतल, फ्लेवर, गाड़ी का स्टिकरिंग, लाइटिंग, डेकोरेशन सब हो गया क्या आपको? सब मिल गया, सब मिल गया ना आपको? और आपने मशीन हमारी ये कैसे आपको पता चला, हमारी डॉल्फिन कंपनी के बारे में कैसे पता चला आपको? वाइट भाई की नेट से आपने देखा था क्या इसको? वीडियो देख के फिर हमको कॉन्टेक्ट किया आपने क्या? हाँ, तो आप अभी हमको ये पूरी मशीन आपको दिखाएंगे, खोल के ओपन करके इस तरीके से फिटिंग की है, यहाँ से इसका डोर करके दिया हुआ है हमने। क्या पूरी मशीन देख सकते हो, 8+2 की मशीन है, 10 फ्लेवर की मशीन है, जिसके अंदर से 8 छोड़ा वाले 2 झूठ वाले फ्लेवर थे, टोटल 10 फ्लेवर की मशीन है। यहाँ पे डॉल्फिन का लाइटिंग वाला लोगो लगाया है, कस्टमर ने जो नाम बोला था आईमन सोडा शॉप, जो हमने नाम लगा दिया है, यहाँ पे कस्टमर का नंबर लिख दिया है, जो पूरा गाड़ी के ऊपर भी लिख दिया है, मशीन के ऊपर भी लिख दिया हुआ है। ये सब उनका जो फ्लेवर से इसके बाद से जब आप देख सकते हो, इसको ऐसे आप उसको ओपन भी कर सकते हो। यहाँ पे इसके ड्रॉवर आ जाएंगे, खाने जो रहते हैं ड्रॉवर आ जाएंगे दोनों, जिसमें आप उसकी पैसे है उसकी रख सकते हैं, इसके लिए ड्रॉवर रहते हैं दोनों। ये पूरा हमने टेस्टिंग किया, या प्लेन सोडा भी निकाल सकते हो, प्लेन सादा सोडा का बटन है, प्लेन छोड़ा निकल रहा है यहाँ से, दबाएंगे तो फ्लेवर निकलता है, यहाँ से प्लेन छोड़ा निकलता है। तो आप पूरी गाड़ी देखिए, पूरा मशीन देख सकते हैं, और पूरा आपको यहाँ से भी साइड लुक भी देख सकते हैं इसका, यहाँ से इसका पीछे का डोर है, बैक साइड का डोर है, ये पीछे का डोर है, इसको ओपन करके भी आप देख सकते हैं। देखिए इसके यहाँ पे आप इन्वर्टर बैटरी भी कुछ रख सकते हो, यहाँ पे फ्लेवर सिलेंडर रख सकते हो, CO2 बोतल रख सकते हो, कोई भी ज्यादा दूसरा सामान है तो भी आप यहाँ पे कहीं रख सकते हो। यहाँ पे वाटर लेवल कंट्रोलर दिया हुआ है, मशीन के अंदर कितना पानी भरा है हम यहाँ से देख सकते हैं, बाहर से आपको मालूम हो जाएगा कि अंदर कितना भारी भरा है, कम है, ज्यादा है, सब यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा। बाकी इसका यहाँ पे सर्किट बोर्ड दिया हुआ है, जैसे हम आपको पहले वीडियो में दिखाते हैं हमारी मशीन को, कि कहाँ पे इसका डिजिटल टेम्परेचर मीटर है, क्या है, सब डिटेल इसके अंदर दिखाएंगे आपको। इसका बैक साइड का लुक है पीछे का, यहाँ पे वेंटिलेशन दिया गया है, एयर वेंटिलेशन, जो गर्म हवा निकलता है एयर कंडीशन के लिए, ये वेंटिलेशन दिया गया है यहाँ पे पूरा। और पूरा ये लुक भी देख सकते हो, यहाँ पे पूरा नाम सब लिख के दिया है, ये कस्टमर का नंबर है, ये हमारी कंपनी का नंबर है। आपको अगर ज़्यादा इंक्वायरी करनी है तो हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे दोनों नंबर लिखे हुए हैं, ये हमारे वेबसाइट है, इसके ऊपर भी आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching.